तो जहां एक तरफ देखिए सत्ता पक्ष यानी जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं, वहीं विपक्ष भी अपने मोर्चे को मजबूत करने में जुटा है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने आज ताज नगरी अलीगढ़ में मोर्चा खोला, दोनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर योगी सरकार पर हमलों की बारिश कर दी। जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ था, वो MOUs कहाँ हैं? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओमकार राजवाजी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से RLD और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे, इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल यह है कि यहां पर रोजगार और नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी, जवान जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं पुलिस भर्ती के लिए नौकरी निकलेगी। यूपी की सियासी गर्मा गर्मी आसमान पर है, गर्मी निकालने की धमकी भी दी जा रही है तो गर्मी की चर्बी निकालने वाले बयान भी दिए जा रहे हैं। अब तो बात कंप्रेसर किसान और युवाओं तक जा पहुंची है। यहां किसान बैठे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बड़ी चर्चा होती है। वैसे अपने समय मैंने जमकर कुछ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लोगों का धान खरीदा था जब मैं मुख्यमंत्री था, और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी ने भी यही किया, और आपको बताना चाहता हूं, कोई शंका पैदा करता है तो उसके बहकावे में मत आइए। पहली तारीख को जो बजट पेश हुआ है उस बजट को उठाकर देख लीजिए उसमें क्या लिखा है। 2,37,000 करोड़ रुपया केवल धान और गेहूं क्यों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए तय किया गया है। हमारी सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त है हम उसको समाप्त करेंगे, और जो राज्य हिंदुस्तान के, जो दर्जा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है वही दर्जा का जम्मू कश्मीर का। अब हमको संसद में इसके पहले बहुमत ऐसे मिला नहीं था जैसा इस समय मिला, और आपने देखा हमको संसद में बहुमत मिला और चुटकी बजाते हुए धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया। वैसे ही हम लोगों ने कहा था नागरिकता कानून पास करेंगे जिस दिन संसद में बहुमत मिल जाएगा,